हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ वनीला फ्लेवर्ड मैदे की बर्फी, और इसका टेस्ट बिल्कुल मिल्की बार चॉकलेट की तरह लगता है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, कम इंग्रेडिएंट में भी बनता है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वनीला फ्लेवर्ड बर्फी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैदे की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे। पैन में हम आधा कप घी डालेंगे और घी को हम पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। घी हमें पूरी तरह से बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम एक कप मैदा डालेंगे और मैदा को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मैदा को हमें तब तक भूनना है जब तक उसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे, या फिर मैदा जो है जब तक घी ना छोड़ दे तब तक हम इसे भूनेंगे। अभी तो हम मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घी में, और ये लगभग अच्छी तरह से घी में मिक्स भी हो चुका है, और इसे हमें लगातार चलाना है, नहीं तो मैदा नीचे से जलने लगेगा। ये मैदा हमारा किसी दानेदार हलवे की तरह लगने लगा है और घी भी रिलीज करने लगा है। मैदे को हम एक दो मिनट के लिए और भून लेंगे। मैदे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। मैदा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब वनीला एसेंस डालेंगे और वनीला एसेंस को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। इसे हम एक मिनट के लिए और पका लेंगे। आप वनीला एसेंस की जगह इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर डालने से बर्फी का जो टेस्ट है किसी कॉमन मिठाई की तरह ही आएगा, पर वनीला एसेंस से बर्फी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। पता भी नहीं चलता है कि ये बर्फी मैदे से बनी है। इस बर्फी का टेस्ट बिल्कुल मिल्की बार की तरह होता है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप इसमें वनीला एसेंस जरूर डालें, उसको स्किप ना करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैदा हमारा परफेक्टली भून चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसे थोड़ी देर तक हम चलाते रहेंगे। इसे चलाने पर ये हल्का ठंडा हो जाएगा, और हल्का ठंडा हो जाने पर हम इसमें एक कप शुगर पाउडर डालेंगे, पिसी हुई चीनी डालेंगे, और हमें एक साथ पूरी चीनी नहीं डालनी है। पहले हम आधा कप चीनी डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इस चीनी को मिक्स करने के बाद दोबारा हम आधा कप डालेंगे। इसी तरह से हमें चीनी दो या तीन बार में डालनी है, एक साथ पूरी नहीं डालनी है, और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ रखना है। गैस का फ्लेम ऑफ करके ही हम चीनी डालेंगे। पिसी हुई चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये फिर से घी नहीं छोड़े। अगर घी रिलीज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप यहाँ पर एक दो चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं। ये मैदे का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बर्फी के मोल्ड में जाने के लिए रेडी है। बर्फी बनाने के लिए मैं केक टिन का इस्तेमाल करूंगी। केक टिन पर पहले मैं अच्छी तरह से घी या ऑयल ग्रीस कर लूंगी। आप चाहे तो किसी और बर्तन या फिर किसी मिठाई के डब्बे में भी बर्फी को सेट होने के लिए रख सकते हैं। अब मैं इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लूंगी, और इसे हम एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। ये देखिए, ये कितना परफेक्टली सेट हो चुका है। अब इसे हम ऐसे ही 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और बर्फी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। बर्फी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से बर्फी निकल जाती है। ये देखिए, बर्फी कितना परफेक्टली निकल चुकी है। अब हम बर्फी को काट लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद है, छोटा या फिर बड़ा। मैं सबसे पहले बर्फी पर निशान बना लूंगी इस तरीके से, ताकि बर्फी एक ही साइज की कटे, छोटी बड़ी नहीं कटे। ये देखिए, इस तरह से हम बर्फी को काट लेंगे। ये मैंने बर्फी को काट लिया है। बर्फी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी ही अच्छी बनी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, और आपने देखा ही
ये कितनी जल्दी और आसानी से बन जाती है, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की ये वनीला फ्लेवर्ड बर्फी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।